आरएस कॉलेज के छात्र नितिन सिंह की हत्या का मुख्य आरोपी वैभव ठाकुर और उसे संरक्षण देने वाले उसके साथी आए पुलिस गिरफ्त में। शहर में जुलूस निकालकर किया न्यायालय में पेश। जिस बहुचर्चित नितिन हत्याकांड ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया था, आखिरकार उस हत्याकांड का मुख्य आरोपी काफी मशक्कत के बाद पुलिस गिरफ्त में आ गया। शनिवार को न्यायालय में सरेंडर करने जाते समय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। हम आपको बता दें कि 27 मार्च को वैभव ठाकुर और उसके साथी संग्राम सिंह ने कॉलेज में बीएससी अंतिम वर्ष के छात्र नितिन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद संग्राम सिंह को छात्रों ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था और वैभव वहां से फरार हो गया था, जिसके बाद वैभव की गिरफ्तारी की मांग को लेकर छात्रों में काफी आक्रोश था। छात्रों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। कांग्रेस भी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विवेकानंद पार्क में एक दिवसीय उपवास और धरना प्रदर्शन किया था। पुलिस पर लगातार आरोपी की गिरफ्तारी का दबाव बढ़ता जा रहा था। पुलिस वैभव की तलाश में हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ वैभव पुलिस को चैलेंज दे रहा था और फेसबुक पर अपडेट होकर मैसेज डाल रहा था, उसके बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। शनिवार को पुलिस कप्तान को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वैभव न्यायालय में सरेंडर करने जा रहा है, जिसके बाद पुलिस कप्तान ने वैभव को गिरफ्तार कर गुप्त स्थान में ले गई। हालांकि इस बात की भनक पुलिस ने किसी को नहीं होने दी। रविवार को नगर पुलिस अधीक्षक भरत दुबे ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पैकन गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ वैभव ने शरण ले रखी थी। पुलिस जब उस घर में दबिश देती थी तो वो सामने के घर में मुन्नू सिंह के यहाँ चला जाता था और वहीं बड़ी चालाकी से दूसरे के मोबाइल से फेसबुक चलाता था, जिससे पुलिस को उसकी लोकेशन नहीं मिल पाती थी। पुलिस ने आरोपी को संरक्षण देने वाले पैकन गांव निवासी 19 वर्षीय दीपेंद्र सिंह, 18 वर्षीय दिवाकर सिंह और 40 वर्षीय मुन्नू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चारों को रविवार को शहर में जुलूस निकालकर न्यायालय में पेश कर दिया। इस घटना का मेन आरोपी वैभव ठाकुर था, पहले जैसे आप लोगों को बता चुके हैं, और इसको गिरफ्तारी के लिए हम बहुत प्रयास किए थे। हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी एसपी साहब, आई साहब, ये सभी लोग इसमें काफ़ी फोकस किए हुए थे और हम लोगों को इसमें लगाए हुए थे। एडिस एसपी और यहाँ गुप्ता जी हैं, शिव कुमार सिंह हैं, हमारे डीआई अरुण सोनी हैं, काफ़ी प्रयास किए गए और इसमें सफलता फिर मिली। आरोपी सरेंडर होने के लिए न्यायालय में जा रहा था, सूचना थी, कुछ करीब मुखबिरी सूचना लगी हुई थी, वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी जानकारी हुई, हम लोगों को भी, और इसको सरेंडर करते उनके पहले ही तो जब जा रहा था तो इसको गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछताछ की बातें निकल के आई कि पैकन गांव में संरक्षण पाए हुए थे, वो संरक्षण देने वाले इसी के रिश्तेदार ही हैं, जिसमें मुन्नू सिंह उर्फ अवनीश सिंह, दिवाकर सिंह उर्फ कुईशा उर्फ दीपेंद्र, ये इसको संरक्षण देते थे। पुलिस वहाँ कई बार गई दबिश के लिए, लेकिन ये क्या करते थे, सामने जो मकान है मुन्नू सिंह का, उसके यहाँ इसको छुपा देते थे और पुलिस वहाँ से मेरे हाथ लौट आते थे। जब पूछताछ में बात खुल के आई है तो इनको भी आरोपी बनाया गया है, मुन्नू सिंह को और दिवाकर को और कुईशा, कुईशा और दीपेन का ये भी इसमें रोल है कि जो फेसबुक अपडेट करता था तो ये कुईशा के ही, मतलब जो मोबाइल उसका यूज़ करता था, क्योंकि अपना मोबाइल यूज़ करता तो पकड़ा जाता है, तो इसने बड़ी सावधानी से और चालाकी से अपने आप को छुपाए रखा हुआ था। इसको गिरफ्तार करने में हमको 19 पत्र मिले।